कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चहन ब्लॉग्स में। और अभी हम लोग आए हैं बाहर से शॉपिंग करके। आपने पिछला ब्लॉग देखा ही होगा, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। पिछला पूरा ब्लॉग शॉपिंग का और थोड़े बहुत काम का था, और हम लोग क्या शॉपिंग करके आए हैं वो इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं दिखा दूँ, और हम लोग जो कपड़े लाए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी सुबह, जिसका हॉल वीडियो मैं सुबह बनाऊंगी। और कुछ कॉस्मेटिक्स भी लाए हैं, उसका सब सुबह दिखाने वाली हूँ। खाने पीने को क्या लाए हैं वो मैं अभी रात को दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर कोई खाएगा या सुबह खा लेंगे तो रह जाएगा। और सबसे पहले तो सानू लाई है अपने लिए पेस्ट्री, चॉकलेट की कुछ है हार्ट शेप में। और ये कुकीज लेके आए हैं पतिदेव, और एक ये वाले और एक ये वाले, ये लाए हम इनिंग से। और ये वाली पेस्ट्री एक मेरी एक पतिदेव की, हम दोनों के लिए, हम दोनों ये वाली लेके आए हैं। सानू ज़्यादा ड्राई फ्रूट पसंद नहीं करती तो वो अपने लिए अलग लेके आई है। तो चलिए सुबह मिलेंगे आपसे, और फिर सुबह थोड़ा बहुत काम ख़त्म करने के बाद, फ्री होने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या शॉपिंग की है, सानू ने क्या ड्रेसेस ली है, मैंने क्या लिया है, कॉस्मेटिक्स से मैंने कहाँ से क्या लिया है। वैसे पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बता दिया था कि हमने शॉपिंग कहाँ से की है, तो आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। अब मिलते हैं सीधा सुबह। हेलो जी, ये है नेक्स्ट डे। अब मैं आपको गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल सकती, गुड आफ्टरनून समझ लो, क्योंकि सुबह का सारा काम खत्म किया, ब्लॉग शुरू किया ही नहीं। और फिर मैंने सोचा चलो शाम को ही शॉपिंग दिखाऊंगी, मैंने आपको बोला था कि मैं कल शॉपिंग दिखाऊंगी। और आज डिनर बनाएगी सानू, तो मुझे काम कुछ करना नहीं है, बस लहसुन छील के देना है। और सानू ने आज बनाने वाली है मग केक और पिज़्ज़ा, जिसकी तैयारी सानू ने कर दी है। और यहाँ पर सानू टमाटर से बनाएगी, क्या बनाएगी सानू, पिज़्ज़ा सॉस है ना, जिसके लिए सानू ने टमाटर उबाल लिए हैं। तो पिज़्ज़ा की रेसिपी तो मैं शेयर नहीं करूँगी, यहाँ मग केक की रेसिपी शेयर करूँगी, जो किसी ने पिछली बार हमने मग केक बनाया था तो बोला था कि आप रेसिपी शेयर करना। और यहाँ पिज़्ज़ा बनाएगी, पिज़्ज़ा के लिए डो लगा दिया है सानू ने, ये लगा दिया था एक दो घंटे पहले, बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है। पिज़्ज़ा बेस हम घर पे ही बनाएंगे, रेडीमेड नहीं लाते। और इसी के साथ सानू बनाएगी पनीर टिक्का पिज़्ज़ा, तो पनीर को भी मैरिनेट करके उसने फ्रिज में रख दिया था, तो बहुत अच्छे से पनीर मैरिनेट भी हो गया है। और हम कल ये वाले बिस्किट लेके आए थे, बहुत अच्छे थे, सुबह हमने ब्रेकफास्ट में खाए, मुझे तो दोनों ही अच्छे लगे। ओट्स और हनी वाले बहुत अच्छे, जो तुम्हें चाहिए वो जीरा वाला, वो जीरा है जो है वो भी अच्छा है। अच्छा तो ये वाला बोल रहे, नीचे वाला है? हाँ, ओट्स वाले मैंने अच्छा किया था, तो अच्छे हैं, हमने खाए। और पेस्ट्री खाई, पेस्ट्री मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों, मुझे ना उसमें क्रीम तो थी नहीं, और मुझे लगता जो बेस था ना 1580 की बैटर, आप लोग बेस था ना वो बिस्किट से बनाया हुआ था, तो थोड़ा सा ना खाते टाइम डुंजे जैसा, और आप लोगों ने डुंजे जैसा नहीं, लेकिन बाकी इनिंग्स की अच्छी होती है पेस्ट्री, ये अलग थी, हमने नया ट्राई किया था। पर ये वाली रात वाली अभी जमी नहीं, बस अभी सानू चाय बना रही है, पहले मैं चाय पीऊंगी और फिर आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर करूंगी कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। सानू अपने फ्रेंड्स के लिए भी लाई है कुर्तीज, लेकिन वो मैं नहीं दिखाऊंगी, क्यों, वो सानू जब वहां जाएगी फिर उनकी फ्रेंड भी ब्लॉग देखती है, तो आपको मालूम है। और आपको शॉपिंग हॉल दिखाने से पहले मुझे थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम कर पाऊंगी। बस अब शुरू करते हैं हम हॉल वीडियो, पहले कर लेते हैं ट्राइपॉड को सेट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा शॉपिंग हॉल, और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो हमने सबसे पहले ली थी उससे। और हमने लिए थे घर से निकलते ही, सबसे पहले लिए थे हमने ये वाले परफ्यूम, जो कि मैंने बोला था SRK का सिग्नेचर है इसके ऊपर, शाहरुख खान का सिग्नेचर है, और ये कोई स्पेशल एडिशन है जो लिमिटेड ही आया है, वापस नहीं आएगा, जबकि ये बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ अच्छी हो वो और आनी चाहिए, पर पतिदेव बोल रहे थे शायद ये ना आए। और इसकी खुशबू बिल्कुल सिगार जैसी है, जो लोग सिगार यूज़ करते हैं परफ्यूम उनको मालूम होगा, सिगार थोड़ा महंगा आता है। चाय आ गई है, थैंक यू सो मच।
तो बेटी होने का सुख, मेरे लिए चाय आ गई है। चाय ठंडी होगी जब तक, हम कर लेते हैं। और फिर हम दो पहले लेके आए थे जब नवरात्रे के लिए, टिफिन लंच बॉक्स लेके आई थी ना बच्चों को देने के लिए, उसी के साथ हम दो लेके आए थे। तो खुशबू बहुत अच्छी थी और रिजनेबल रेट थे। तो फिर पतिदेव ने बोला कि ये खत्म हो जाए इससे पहले चार और लेके आ जा, तो कल मैं चार और लेके आ गई हूँ। तो सबसे पहले की थी हमने ये वाली शॉपिंग, उसके बाद हम गए थे कैलाश एम्पोरियम। तो हमने जो भी शॉपिंग की थी कॉस्मेटिक्स की, उसके साथ आया था ये किट फ्री। तो ये फिर सानू लेके जाएगी। मेरे पास जितने भी किट आते हैं, कुछ भी आता है, जैसे मैं कॉस्मेटिक जब भी खरीदती हूँ, जितना भी लिमिटेड खरीदती हूँ, उसमें जो चीज़ फ्री आती है वो सानू हमेशा लेके जाती है। और मेरे पास नॉर्मल भी जितने किट थे सब पे सानू का कब्जा है, मेरे पास है ही नहीं अभी कोई भी किट। और ये सानू लेके आई थी पॉन्ड्स की क्रीम, क्या है ये, लाइट मॉइस्चराइजिंग, ये सानू अपने लिए क्रीम लेके आई थी। और ये मैं लाई थी नेल रिमूवर कलर बार का, मेरा नेल रिमूवर ख़त्म हो गया था तो वो लेके आई। और पतिदेव को भी शौक चढ़ा है स्क्रब करने का, बोले मेरी डेड स्किन आ गई तो मुझे स्क्रब करना है, तो स्क्रब लेके आओ। अच्छा है, खुशबू चंदन की आ रही है, चंदन का है, गुलाब की आ रही है। और ये वाला स्क्रब पतिदेव लेके आए हैं। और मैं तो आपको मालूम है घर पे बनाती हूँ मेरा फेस पैक, उसमें स्क्रब भी होता है, सब कुछ होता है। तो पहले सानू का बता देते हैं। और सानू लाई है मेबलिन का ये मस्कारा, जिसके साथ काजल फ्री है। तो काजल मेरा, और क्योंकि काजल सानू लगाती नहीं है तो मस्कारा वो ले जाएगी। काजल मैं काजल लाती हूँ शुगर का, तो मैं शुगर का काजल ले रही थी, लेकिन वो बोली कि नहीं मम्मी मेरे को लेना है तो इसके साथ फ्री आ रहा है तो आप ये ले लो। और ये सब क्या है, सानू के ही हैं ये, पता नहीं क्या क्या है भाई साहब। कलर वॉल मेड फॉर मैजिक, ये सानू का ही है। और ये मैं लाई हूँ लाइनर मेरे लिए, क्योंकि मैं जब काजल लगाती हूँ, लोग बोलते हैं ना काजल फैलता है, पहले तो शुगर का काजल फैलता नहीं है, काजल लगाने के बाद आप यहाँ पर है ना पाउडर लगा दो तो आपका काजल फैलेगा नहीं, और फिर भी अगर फैलता है तो पहले है ना काजल की जो नीचे नीचे लाइन होती है ना वहाँ पर लाइनर लगा दो, उसके बाद काजल लगाओ तो काजल बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलेगा। तो मैं लाइनर लाई थी और सानू अपने कंसीलर लाई थी। और ये पता नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है इसका क्या है ये। और ये दो दो कैसे है। और हाँ, लिप बाम लाई थी मैं, शुगर का ही लिप बाम यूज करती हूँ तो लिप बाम लेके आई थी। और सानू लाई थी बेबी लिप बाम, लिप्स बाम। और ये सानू लाई है ऑयल क्लींजर, ये सानू लाई, सानू के पापा लाए हैं भाई साहब, ये भी कम नहीं है। फेस वॉश लेके आए हैं। और मैं लाई थी दो नेल पॉलिश, ये आप देख सकते हो, ये जो ट्राई की थी चार पांच शेड मेरे हाथ पे अभी भी लगे हुए, मैंने हटाए नहीं, मैंने कहा चलते हैं अच्छे लग रहे हैं, तो ये दो शेड मैं लेके आई हूँ। तो बस कॉस्मेटिक्स का यही सब था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो हो गया कॉस्मेटिक्स पूरा, बीच बीच में चाय भी पी लेते हैं। मैं ज़्यादा ना वो यूज़ नहीं करती, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है कॉस्मेटिक्स। मैं सिर्फ लगाती हूँ, एक शुगर का फाउंडेशन लगाती हूँ, एक शुगर का लाइनर, शुगर का काजल और शुगर का लिप बाम और शुगर की लिपस्टिक, उसके अलावा कुछ नहीं लगाती। लोग लगाते हैं ना हाइलाइटर, ब्लश, आई शेडो, ये नवोन, इतना कुछ नहीं। मेरे को इतना मेकअप होता भी नहीं है, मुझे आता भी नहीं है, मुझे सिंपल सा मेकअप करना पसंद है, बस इतना ही मेकअप होता मेरा। हाँ, बस ये है कि मैं शुगर के यूज़ करती हूँ। और आगे आने वाले टाइम में कोई भी ब्रांड मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा है और मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ, हाँ पॉन्ड्स की क्रीम यूज़ करती हूँ कभी कभी, ज़रा तो नारियल तेल यूज़ करती हूँ, पर पॉन्ड्स की क्रीम यूज़ करती हूँ बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। नेचुरल ब्यूटी, घर के स्किन केयर करो, आपकी स्किन इतनी अच्छी होगी कि आपको मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी इस वक्त सिर्फ मेरे हल्का सा लिप बाम लगा हुआ है शुगर का, ये स्ट्रॉबेरी वाला काजल है, और सुबह दोपहर में मैं नहाई थी तो मैंने पॉन्ड्स क्रीम लगाई थी, उसके अलावा अभी कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन, तो पर मैं घर पे वही मेरा फेस पैक बनाती हूँ जिससे स्किन बहुत अच्छी रहती है, तो बस वही यूज़ करती हूँ मैं। और अभी बारी है कपड़ों की, सबसे पहले शुरू करते हैं। लाल छड़ी मैदान कड़ी, क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी। वैसे मैं गई थी एक ड्रेस लेने के लिए, और एक ड्रेस भी लेने के लिए नहीं गई थी, गई थी सिर्फ सानू के लिए कुछ लेने के लिए कपड़े, पर मैंने सोचा था कि हाँ एक आध कुछ ले ही आएंगे, तो एक आध के चक्कर में लेके आई हूँ दो।
तो सबसे पहले मैं लाई हूँ ये रेड कलर का कुर्ता, जिसपे बाल आ गए, यहाँ नेक पे है डिजाइन। और इसका पूरा लुक तो मैं जब पहनूंगी कभी तो बताऊंगी। तो इसमें कुर्ता है पर दुपट्टा नहीं है। और हाँ, रेट मत पूछिएगा किसी भी कपड़े का, क्योंकि सबका अपना अलग रेट होता है। मैं बता दूंगी तो हो सकता है आप इसे सस्ता लेके आ जाओ, हो सकता है आपको इससे महंगा मिल जाए, तो रेट का कोई मतलब ही नहीं है। और मैं लाई हूँ ओनली ब्रांड से, ये भी मैंने आपको बता दिया पिछले ब्लॉग में, मैंने पूरा एग्जैक्ट उसका एड्रेस बताया है, तो आप अगर जोधपुर में हैं तो आप जा सकते हैं। तो इसके साथ में है ये पैंट और ये कुर्ता, तो ये दो का सेट है, तो इसको रखते हैं आगे। और इसके बाद पहले मैं अपना अपना बता देती हूँ। ये है पैंट जिसका कुर्ता दिया हुआ है ऑल्टर करवाने के लिए, वो मेरे थोड़ा लूज था तो मैंने कहा कि है ना थोड़ा टाइट करवा दो, तो ऑल्टर करवाने दिया है। वो नेक्स्ट टाइम जब भी वो आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि नवरात्रि करके मैं थोड़ी सी पतली हो गई हूँ, क्योंकि जहां मैं कपड़े लेने गई थी उन्होंने भी बोला कि आपने थोड़ा वजन कम किया, आप थोड़े पतले हुए हो। तो मैंने कहा हाँ, 9 दिन मैं भूखी मरी हूँ जिसकी वजह से मैं पतली हो गई हूँ, लेकिन अभी जो मैं इन दिनों खा रही हूँ उससे मुझे पूरा पता है कि मेरा वजन बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। फटाफट करते हैं। तो वो कुर्ता ऑल्टर करवाने दिया हुआ है और ये पैंट है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा ब्लॉग बड़ा हो, लोग बोर हो। और ये है सानू का कुर्ता। इस कुर्ते पे यहाँ आप देख सकते हो लेस है, बाजू पे भी लेस है और यहाँ नीचे की तरफ भी लेस है। तो पूरा पूरा नहीं खोलूंगी वरना मेरा बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा। और इसके साथ में है ये दुपट्टा और ये पैंट, 3 का सेट है। और फिर है सानू का ये कुर्ता, ये इसके साथ कोई पैंट वेंट नहीं है, ये खाली कुर्ता है। और सानू को इस टाइप के प्रिंट बहुत अच्छे लगते हैं। और एक सानू लेके आई है ये अपना वाइट कलर का कुर्ता, थोड़ा सा घेर वाला कुर्ता है। और ये इसके साथ पैंट है, ये 2 का सेट है, इसके साथ दुपट्टा नहीं है। और हाँ, मेरे क्या प्रॉब्लम है, अगर एसी चल रही है ना रूम में तो आंगन ठंडा होता है, ठंडे आंगन की वजह से मेरे पैरों में दर्द होता है, तो मैं वहाँ पे स्लीपर बार खुलवा देते हैं, तो फिर मैं वहाँ पे काफी देर खड़ी थी, मेरे पैरों में दर्द होने लग गया। तो फिर वहीं पे मैंने सॉक्स खरीदने के बाद हैंड टू हैंड ये सॉक्स पहन लिए, तो ये सॉक्स थे। और फिर आए सानू की बारी फिर से, और जिसमें है 3 का सेट, ये चिकनकारी का कुर्ता है सानू का, इस तरीके से कुछ है। ये सानू मुंबई लेके जाएगी सब कुछ। और इसके साथ है ये पैंट और ये दुपट्टा। पहले बोली थी दुपट्टे वाले नहीं लूंगी, प्लेन कुर्ती लूंगी, लेकिन उसको पसंद आ गया तो सानू ने ले लिया। सानू की शायद 4-5 ड्रेस होगी। और ये है लेवेंडर कलर का कुर्ता, सब कॉटन के हैं, प्योर कॉटन के। तो वो जब कॉलेज जाती है तो उसको ये काम आता है। और आजकल उसको ना बड़ा शौक चढ़ रहा है कि इंडियन पहनूं, तो वो कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा ना जीन्स टी शर्ट की बजाय कुर्ती पहनना ज़्यादा पसंद करती है। और ये है सानू की एक कुर्ती, ये 2 का सेट है। और ये इसके साथ है पैंट, इसके साथ दुपट्टा नहीं है। और ये है पतिदेव का शर्ट, उन्होंने अपने लिए 2 शर्ट लिए हैं, ये देखिए 2 शर्ट लिए हैं। और उन्होंने अपने लिए ली है 2 जीन्स है, जो कि वो भी ऑल्टर करवाने दिए है वहां पर है। हाँ, 2 जीन्स और एक शर्ट, 2 जीन्स और एक मेरा कुर्ता है जो ऑल्टर करवाने दिया है। और सानू ने अपने दोस्तों के लिए भी लिया है, कुर्तीज ली है, लेकिन वो अभी मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वो सानू अपने फ्रेंड्स को दिखाएगी, तो पहले मैं रिवील नहीं कर सकती और उसके फ्रेंड्स भी मेरे ब्लॉग देखते हैं। इसके लिए बेटा सानू आएगी तभी आपको अपनी कुर्तीज देखने को मिलेगी। तो चलिए, ये ही था शॉपिंग हॉल, लगभग सारा कुछ हो गया है। अब दिखाते हैं सानू बनाएगी पिज्ज़ा, मिनी पिज्ज़ा। मैंने उसको बोला छोटा छोटा पिज्ज़ा बनाना, क्योंकि अभी डाइट इतनी कम हो गई है ना, तो इतना बड़ा पिज्ज़ा नहीं खा सकते। एक छोटा पिज्ज़ा पतिदेव के लिए, एक छोटा पिज्ज़ा मेरे लिए और एक पिज़्ज़ा सानू के लिए। और मक केक बनाएंगे और मैं चाय पीऊँगी, मेरी चाय ठंडी हो गई है, चाय पीऊंगी और लहसुन छीलूंगी। और सुबह मैं बनाने वाली हूँ फली काचरा, जिसके लिए फली वली सब रात को काट के रख दूंगी। तो बस, तो और मग केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि पहले किसी का कमेंट आया था कि नेक्स्ट टाइम जब भी मग केक बनाओ तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करना। और हॉल वीडियो बनाने के बाद अभी बारी है सारे सामान को जगह पर रखने की। और मैं सोच रही हूँ आज दिन में सानू बना रही है, तो मैं थोड़ी बहुत साफ सफाई कर लेती हूँ,
ड्रेसिंग साफ करूंगी, बहुत दिन हो गए मुझे ड्रेसिंग साफ करने के सोचने के लिए। और कपड़े सब जगह पर रख देते हैं। और यहाँ ऊपर की अलमारी साफ कर दी है, ये साफ कर दी, इसमें सामान रखना है, ये बाकी अभी साफ करनी है। और ये दो किट सानू ने छोड़े हैं, एक ये रेड किट और एक ये, जबकि मेरे पास 3-4 किट थे, सब सानू ले गई है। और यहाँ आप देख सकते हो पति देव के परफ्यूम, मतलब इतना ज़्यादा परफ्यूम पसंद है ना, 4 बॉटल यहाँ पे है जो कि ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी बहुत ही होगी। और बाकी ये सब है, 2 यहाँ ऊपर रखे हुए हैं, बाकी 4 मैंने इसमें पैक कर दिए हैं। और उनको हमेशा रहता है बस कहीं भी जाए परफ्यूम ज़रूर लेकर के आए। और यहाँ पर मैंने मेरी ड्रेसिंग साफ़ कर दी है, ऊपर का सेक्शन साफ़ कर दिया, ये साफ़ कर दिया, ये पूरी अलमारी परफ्यूम की बना दी है। और जो बॉटल्स खाली थी वो निकाल दी है, पतिदेव निकालते नहीं है, खाली भी अंदर पड़ी रहती है। और ये सब क्रीम की, नेल पॉलिश की, ये सब कर दिया है, ये खाली कर दी है। और मैं इस तरह की एक टोकरी रखती हूँ जिसमें जो भी एक्स्ट्रा क्लेक्चर और ये सब होता है वो सब इसमें रखती हूँ, जैसे एक्स्ट्रा बिंदियाँ हैं वो सब रखती हूँ। और मेरे पास है एक बहुत ही क्यूट सा डस्टबिन जो कि ड्रेसिंग पे रखती हूँ हमेशा, कभी भी है ना, जैसे बाल बना रहे हो तो बाल झड़ गए वो डाल दो, और आपने मेकअप रिमूव किया है तो कॉटन पैड डाल दो, आपको जाने की जरूरत नहीं है डस्टबिन के पास। तो मैं छोटा सा डस्टबिन अपनी ड्रेसिंग पे रखती हूँ। और ये जब घर तैयार हुआ था तभी मैं लेकर के आई थी, इसको लिए हुए शायद 4-5 साल हो गए और एकदम सही चल रहा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा। अच्छा लग रहा है, कलर कितना सुंदर लग रहा है। तो जी पिज्जा बन गया है और मेरे बाल थोड़े ऐसे वैसे हैं तो इनको इग्नोर करें। और बस अब मैं इंजॉय करूंगी अपना पिज्जा। और पिज्जा के लिए सानू पनीर टिक्का पिज्जा बनाया है, घर पे सॉस बनाया है, बेस भी घर पे बनाया है। तो आप लोग भी कोशिश करें घर पर ही बना करके खाएं, ऐसा नहीं है बाहर का नहीं खाते, कभी कभी बाहर का भी खाते हैं लेकिन वैसे कोशिश करते हैं हम लोग घर पे बनाने की। तो मैं खा करके बताती हूँ आपको। सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा है, मैंने चीज़ कम डलवाया, मेरे को ज़रा चीज़ पसंद नहीं था, मतलब आज मुझे खाना नहीं था, यूँ पसंद है पर आज मुझे नहीं खाना था। पास में तो आज का पिज्ज़ा बहुत टेस्टी बना है, एकदम देसी पिज्ज़ा बोल सकते हो, जिसमें हमने कोई सॉस यूज़ नहीं किया था, कोई भी सॉस यूज़ नहीं किया, घर का पिज़्ज़ा सॉस आनू ने बनाया बिना किसी सॉस के, और बहुत ही यम्मी। और मैं खा रही हूँ सौंफ, जो कि ये जो टोकरी है नज़र आ रही है, इसमें मैं सारी सौंफ और ये सब भर के रखती हूँ, तो मज़ा आ गया। और उसके बाद बनाएगी सानू मग केक, जो कि बनाएगी ओरियो बिस्किट से, जो आपके साथ शेयर करूँगी जिसकी रेसिपी। और मग केक बनाने के लिए सानू ने लिए हैं 2 पैकेट ओरियो बिस्किट, और बिस्किट के अंदर डालेंगे मेल्टेड बटर थोड़ा सा। और ये कोई भी वो एक रेसिपी वैसे नहीं है, ये सिर्फ सानू की रेसिपी है, जैसे भी इसको समझ में आता है ये मग केक बना लेती है, ऐसे कोई प्रोफेशनल नहीं है। इसको थोड़ा सा गुनगुना ही करना दूध को, नहीं थोड़ा गर्म, ज़्यादा गर्म ताकि ये बिस्किट्स हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। और दूध में डालेंगे थोड़ी सी चीनी, क्योंकि बिस्किट से जब केक बनाते हो थोड़ा फीका रहता है, तो हम थोड़ी चीनी दूध में डाल देंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। और दूध थोड़ा गर्म कर लेंगे। अब क्या डाल रही है? कोको पाउडर। अच्छा, कोको पाउडर, और मेरा कोई अंदाजा नहीं है, अपने हिसाब से मुझे अच्छा लगता है अपने हिसाब से, 2-3 चम्मच जितना भी डालना हो, 2-3 चम्मच बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 चम्मच बस, 1 चम्मच भर के। हाँ, और चम्मच का साइज ये है। और ये गरम जो दूध किया था वो गर्मा गर्म इसके अंदर डाल देंगे ताकि जो बिस्किट है वो सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर ये बिस्किट घुल गए हैं दूध में अच्छे से, अब हम इसमें डालेंगे क्या डाल रहे हैं, बेकिंग सोडा थोड़ा सा, बहुत 1 पिंच है ना, बस 1 पिंच बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा, और पिंच, और ये है 1/4 चम्मच खाने वाला ये बेकिंग पाउडर। तो 1 पिंच डाला है सोडा और 2-3 पिंच के करीब पाउडर, बेकिंग पाउडर, और अभी इससे अच्छे से मिला लेंगे। जैसे हमने दूध में मिला करके बिस्किट सॉफ्ट किए हैं, आप चाहे तो मिक्सी जार में पहले बिस्किट को पीस लें और उसमें दूध डाल लें,
और मिक्सी जार में आप अच्छे से इसका बैटर में डाल देंगे और बस अब कप में डालेंगे और हम इसे ओटीजी में डाल करके पका लेंगे। 120 नीचे लगा जाली ताकि हमें देखने को मौका मिले। 180 डिग्री पे अब जब पक जाए हाँ चेक करते रहेंगे बीच बीच में फोक से चेक कर लेंगे पका कि नहीं। और यहाँ पर हमारे मग केक हो गए हैं तैयार और आप लोग भी बनाइएगा जरूर बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इंजॉय करते हैं हम लोग अपना मग केक जी। चलिए यही था आज का ब्लॉग। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे ब्लॉग को लाइक करना। इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सबके साथ शेयर करना। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में।